नमस्कार, मैं रवीना एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइन पर। घर के पास मिला शव, दुष्कर्म करने के बाद की हत्या। लालू यादव से मिले आरजेडी विधायक रेखा देवी। गोंदिया नायब तहसीलदार को चप्पल से मारा, महिला लिपिक हुई निलंबित। अब खबरें विस्तार से। यवर्धा जिले के थाना क्षेत्र के नाले में एक युवती का शव मिला। चुनरी से ढके शव के पास ही उसका बैग था। युवती के पास मिला आधार कार्ड और मिला मोबाइल। जांच के मुताबिक फिलहाल पुलिस ने परिवार को सौंप दिया गया। जानकारी के मुताबिक वह एक माह से बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गई थी। रिम्स में भर्ती लालू यादव, आरजेडी विधायक रेखा देवी। चारा घोटाले में फंसे लालू यादव की तबीयत का लिया जायजा। उन्होंने कहा कि वह पहले भी मुलाकात करने आए थे, लेकिन तेज प्रताप आने के कारण वह मिल नहीं पाई। इस पर देखते हैं कि हमेशा तबीयत ज्यादा ही बिगड़ते जा रहा था, उनको लगा कि हम लोग इसी वजह से आ गए। क्या क्या मन में, क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या अब मिलने की बात बता रहा था क्या है? नहीं तो बहुत देर से नहीं आए, एक दो बार आए भी तो नहीं मिलने दिया, लौट गए। गोंदिया जिला सालेकसा में नायब तहसीलदार IR पांडे को चप्पल से मारने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कारण सिर्फ बिल पास करने का था। आंदोलन के दौरान काम बंद होने से हुआ था झगड़ा। इसके बीच लिपिक महिला ने तहसीलदार पर चप्पल से मारने का मामला सामने आया है और उस बीच महिला को निलंबित कर दिया गया। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।